आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट टीम को मुश्किल टेस्ट सीरीज का सामना करना है। भारत को एक के बाद एक 10 टेस्ट खेलने हैं। इनमें बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच शामिल हैं। बाकी टेस्ट भारतीय टीम को अपनी जमीन पर खेलने हैं, जबकि नवंबर दिसंबर में टीम इंडिया को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है। अगले साल होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए ये सीरीज रोहित एंड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया फिलहाल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 प्लेस पर हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन और महान बल्लेबाजों में शुमार रिकी पोंटिंग ने अपने ही टीम को बचकर रहने के लिए कहा है। खास तौर पर उन्होंने ऋषभ पंत से ऑस्ट्रेलियाई टीम को बचकर रहने के लिए कहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिसंबर 2022 को सीरियस कार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा था। दिल्ली देहरादून हाईवे पर कार के डिवाइडर से टकराने के बाद उन्हें कई गंभीर चोटें आई थी। हालांकि पंत ने इस साल मैदान पर शानदार वापसी की। आईपीएल में कुछ बेहतरीन पारी खेलने के बाद ऋषभ पंत ने हाल ही में दलीप ट्रॉफी से रेड बॉल क्रिकेट में वापसी की। जून में पंत ने भारत के T20 वर्ल्ड कप जीत में भी खास भूमिका निभाई थी। अब उनके इस साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम में चुना जाना तय माना जा रहा है। ऋषभ पंत को पिछली बार यानी 2020-21 की तरह ही मिडिल ऑर्डर में टीम के लिए अहम भूमिका निभानी होगी। पोंटिंग ने पंत की शानदार कमबैक पर खुलकर बात की और उन्हें मैच विनर के रोल में सराहा है। पोंटिंग ने स्काई स्पोर्ट से बातचीत में कहा, हम सभी ने उन्हें खेलते हुए देखा है और उन्हें स्टंप माइक में सुना है। वह टीम के आसपास रहना पसंद करते हैं और सबको साथ लेकर चलना पसंद करते हैं। वो अपने क्रिकेट से प्यार करते हैं और एक विजेता खिलाड़ी हैं। वो सिर्फ कुछ रन बनाने और मजे के लिए मैच नहीं खेलते। पंत पहले ही 4 या 5 टेस्ट शतक लगा चुके हैं और उन्होंने 9 बार 90s में रन बनाए हैं। MS धोनी ने 90 टेस्ट खेले और 3 या 4 शतक लगाए। पंत कितने अच्छे हैं ये इससे साबित होता है। वो एक गंभीर क्रिकेटर हैं। पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स में पंत के कोच थे और उनकी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस के दौरान लगातार उनके कांटेक्ट में थे। मेंटली और फिजिकली जो चुनौतियों के बावजूद पोंटिंग ने समय से पहले ऋषभ पंत की वापसी के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, ये शानदार वापसी की कहानी रही है। अगर आप अब उनके पैर को देखें और उन कहानियों को सुने जिनका उन्होंने अपनी कार दुर्घटना के दौरान सामना किया था, तो उससे आप मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। लेकिन पंत मजबूत मानसिकता के साथ शारीरिक रिहैबिलिटेशन से गुजरे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पिछले IPL में 2024 में खेलेंगे, पोंटिंग ने कहा। लेकिन 12 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं IPL के लिए सही रहूंगा। हमने सोचा था कि वो बल्लेबाजी करने में सक्षम होगा और हमें उन्हें एक इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उपयोग करना पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने हर रोल को निभाया। वो हमारे प्रमुख रन स्कोरर में से एक थे। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में नंबर 3 पर बल्लेबाजी की और वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। अब वो टेस्ट टीम में वापसी कर चुके हैं। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी।